नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में और मैं आपके साथ विदिशा शांडिल्या। निकिता हत्याकांड मामले में जज का तबादला हो गया है। आपको बता दें कि सजा सुनाने से पहले ही फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज का तबादला हो गया है। बता दें कि 24 मार्च को जज ने आरोपी तौसीफ और रेहान को दोषी करार दिया था। जज के ट्रांसफर को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या राजनीतिक दबाव में जज का तबादला हुआ है। सवाल ये भी है कि क्या कोई अब नया फैसला आएगा। गौरतलब है कि निकिता हत्याकांड में फैसला आने से पहले निकिता के पिता मूलचंद तोमर ने कहा था कि उन्हें न्याय प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है और आरोपितों को अवश्य ही फांसी की सजा मिलेगी। उन्होंने कहा था कि ये लव जिहाद का मामला है और सरकार ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि इस पर अवश्य ही कानून बनाया जाएगा। दूसरे प्रदेशों में तो कानून बन गया, लेकिन हरियाणा में कानून आज तक नहीं बना है। उन्होंने ये भी कहा था कि ऐसा लग रहा है कि सरकार निकिता हत्याकांड को पूरी तरह भूल चुकी है। बताते चले कि 26 अक्टूबर 2020 को दिन दहाड़े कार सवार दो बदमाशों ने मिल्क प्लांट रोड पर अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर लौट रही बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लहूलुहान हालत में उसे पास के निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। हत्या के बाद वे भागने में सफल रहे। ये वारदात घटनास्थल के पास लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई थी। वायरल वीडियो में हत्या से पहले दो लड़के निकिता को जबरन कार में खींचने की कोशिश करते दिख रहे थे, लेकिन जब वे कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने उसे गोली मार दी थी। अदालत ने 24 मार्च को फरीदाबाद में चर्चित निकिता हत्याकांड मामले में दो आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया था, जबकि एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। आपको बता दें कि फरीदाबाद में चर्चित निकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था। यहां पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके सहयोगी रेहान को दोषी करार दिया था। वहीं हथियार मुहैया कराने वाले तीसरे आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। आज 26 मार्च को दोषियों के खिलाफ सजा सुनाई जानी थी, इसी बीच जज का ट्रांसफर हो गया है। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।